हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गोवर्धन पूजा। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पैर में इतनी चोट होने के बावजूद मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है त्यौहार की वजह से। आप लोग देख सकते हैं इतने सारे कपड़े मैंने धुले हैं और इतने ही मैं धुल चुकी हूँ, रख दिए हैं मैंने, वो नहीं दिखाए थे। बाकी मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दें कि मैं कितनी चोट में कितना सारा काम करना पड़ रहा मुझे, क्योंकि जब अकेला कोई होता है तो यही सब होता है, दूसरा होता है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो फिर भी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बहुत 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 हेल्प करते हैं, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने सारे कपड़े हैं, और अभी आपको और दिखा रहे हैं और मेरे धुल रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी अभी। बाकी मैंने रख दिए हैं, देखिए फ्रेंड्स ये मेरे धुल रहे हैं इस मशीन में, और इधर स्पिन हो रहे हैं अलग से, ये देख सकते हो आप लोग, मशीन चल रही है, ये इधर स्पिन हो रहे हैं और ये भी धुल रहे वाली मशीन के। मैं धुल के जो अभी मैंने उठाए हैं वो हैं, सूख चुके हैं। मेरे यहाँ कपड़ों का काम बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे यहाँ मतलब एक बार में पता चले एक दिन में दो जोड़ी बच्चे कपड़े बदले, तो इस चक्कर में कपड़े बहुत हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं आज मशीन लगा रही हूँ, मेरे यहाँ डेली मशीन फ्रेंड्स लगती है, डेली मैं चलाती हूँ, एक बार तो डेली ही चलनी रहती है, उसके बावजूद भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और अभी गोवर्धन पूजा है और अभी मेरी पूजा की कोई तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि काम वाली भी दो दिन की छुट्टी पर गई है, तो पैर की वजह से वो भी काम मुझे ही करना पड़ रहा है। बस कर रहे हैं जैसे तैसे, काम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हो रहा है, रुक नहीं रहा, तो बस थोड़ा लेट हो रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं नहा कपड़े ये स्पिन हो गए हैं, इनको फैला दूं और उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, फिर नहा के मैं पूजा की करूंगी तैयारी, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। फ्रेंड्स मैं नहा धो चुकी थी और यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ खाना की तैयारी। तो इधर मैं चावल चढ़ा रही हूँ, धुल लिए हैं, और इधर दाल है, और यहाँ पे मैं कढ़ी की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि दाल मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरा बच्चे जो है वो कढ़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मुझे दाल बनानी पड़ रही है। और बाकी अपने समय पूजा वूजा के लिए कढ़ी है, और इधर है पत्ता गोभी की सब्ज़ी और चावल सब बना लिए हैं, और इधर देखिए ये है मेरी पूजा की थाली तैयार कर ली है, और अब चलिए कर लेते हैं पूजा। तो अभी मैंने बनाए भी नहीं हैं, तो अब सबसे पहले मैं गोवर्धन बनाऊंगी और उसके बाद करूंगी पूजा, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए ये है गोबर जो मैंने सुबह इनसे मंगवाया था, तो यहाँ पर आज के दिन तो मतलब गोबर भी पैसे से मिलता है, तो जब पैसे दो 10-20 रुपये तो तब गोबर मिलता है, तो यही गए थे लेने और गोबर ले आए हैं। तो चलिए बना लेते हैं फ्रेंड्स, और जैसे मुझे आते हैं वैसे ही बनाते हैं, क्योंकि मैं बस मम्मी उम्मी को देखती रहती थी कि वो लोग कैसे बनाते थे, तो वैसे ही बनाते हैं, तो ज़्यादा अच्छे नहीं बना पाती हूँ, तो अगर कोई गलती हो तो आप लोग उस चीज़ को इग्नोर करना। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी, मैंने आज कपड़े धुले थे इस वजह से थोड़ी सी मेरी चोट भीग गई है, आप लोग देख सकते हैं, और चलिए अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये पन्नी बिछा लेती हूँ जिससे कि ज़मीन पर गोबर के दाग ना पड़े, इससे आसानी रहती है, ऐसे डायरेक्ट होना तो फिर गोबर के दाग पड़ जाते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं। तो ये मैंने पन्नी बिछा ली है और इसके ऊपर बनाऊँगी तो फिर कोई दाग नहीं पड़ेंगे फर्श पर। और ये मुझे इतना पता भी नहीं था, पर मेरी बड़ी भाभी जब मैं गई पहले वहाँ पे, तो मैंने देखा मेरी बड़ी भाभी इस तरीके से बनाती हैं, तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे फर्श भी ख़राब नहीं होती है और पूजा भी बहुत अच्छे से हो जाती है, तो फिर मैं भी ऐसे ही करने लगी। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और आपको सही से नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि कैमरा सही से सेट नहीं हो रहा था, स्पेस कम था इसलिए, और बस जैसे मुझे आए वैसे बना रहे हैं। तो इसमें वही सब बनाने को रहता है, घर में जो क्या क्या होता है उसी को सब बनाते हैं, तो वही मैंने भी बना लिया है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं। और बाहर ये मैं बना रही हूँ ना, कहते हैं घर के बाहर कुत्ता बनाया जाता है, तो ये मैं बना रही हूँ लोगों को,
ये मेरा लोबो है, घर की रखवाली कर रहा है। तो ये देखिए, ये अब मैं इसके बना रही हूँ पैर, और बाकी मेरा ऊपर सब बन गया है। तो अभी आपको दिखाते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने हैं और आप लोगों के यहाँ कैसे बनते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है और मैं ले आई हूँ पूजा की थाली भी। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं। तो पांच तो ये मेन होते हैं जो मैंने पीछे बनाए हैं, अब उसके बाद ये बाकी सब बनाए हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जल चढ़ाएंगे और उसके बाद रूली चंदन वगैरह सब लगा लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। तो इनको फ्रेंड्स हम लोग रोली चावल सब लगा देते हैं। उसके बाद इनको लगाई जाती है न्यू वाली कॉटन, क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो इसीलिए इनको कॉटन उड़ाई जाती है। और जो करवा चौथ की सीखें होती हैं वो इनको लगाते हैं। तो जो पांच मैन होते हैं उनको लगा देते हैं ये सीखें, और वही अपना खीले खिलौना वगैरह सब उनका लगाया जाता है पहले वो। तो वही सब मैं लगा रही हूँ और अब जला रही हूँ दीपक। उसके बाद मैं करूंगी आरती। तो फ्रेंड्स देखिए, वो पूजा हो गई थी और इसके बाद मैंने ये बना लिया था कढ़ी चावल सब्जी रोटी सब कुछ। तो अब इसका भोग लगाएंगे। तो ये मैंने दो थाली निकाली हैं, एक अपने भगवान जी की और एक गोवर्धन जी महाराज की। तो भगवान जी का इन्होंने लगा दिया था और अब मैं लगा देती हूँ गोवर्धन जी का। तो चलिए लगा लेते हैं। तो देखिए, कढ़ी है, चावल है, पकौड़ी है, आलू की सब्जी है और रोटी है और दाल है। तो जितना कुछ बनाया था तो मैंने सबका भोग लगाया था। तो चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई थी और यहाँ पे ये दोनों कर रहे थे मस्ती। छोटा वाला बेटा पूजा का जल छिड़क रहा था, तो वो इसको बड़े वाले को कर रहा था परेशान। मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें। मिलती नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।